हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा आपका वेलकम करता हूं। और मेरे साथ है गाइस, इमेजिन कीजिए, मेरे साथ है कुणाल, मिस्टर कुणाल, जिन्होंने अभी हाल ही में जेई 2020 एडवांस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 63 सिक्योर की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कुणाल, हाउ आर यू, कैसे हो आप। बढ़िया सर, अच्छा, तो थोड़ा सा अपने थैंक बारे यू में फॉर बता योर दीजिए, टाइम। आपका नेटिव प्लेस कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। मैं कोटा से ही बिलोंग करता हूँ और मतलब लोकल आईटी हूँ। तो ये कोटा से ही है स्टूडेंट्स, मैं भी कोटा से ही हूँ, ये भी कोटा से ही है, हम दोनों कोटा के लोकलाइट्स हैं। तो वी अंडरस्टैंड द कोटा के जो आप बातें सुनते हो, अगर आप कोटा से नहीं है, कि कोटा इज़ अ सिटी जहाँ पे लोग अपने ड्रीम पूरे करने जाते हैं, हम दोनों उसी सिटी को बिलोंग करते हैं। और अभी जो रिजल्ट आया है, उसी में कुणाल ने ऑल इंडिया रैंक 63 सिक्योर की है। तो इससे हम कुछ जानना चाहेंगे कि इसकी जो जर्नी रही है वो किस तरह की रही है, और आप उस जर्निंग में से आप क्या क्या बातें सीख सकते हैं, आपकी लर्निंग क्या क्या रहेंगी। तो कुणाल, जेई का एग्जाम तो हो चुका है, पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे लिए। आर यू रेडी फॉर दोस क्वेश्चंस टू हेल्पिंग आउट योर यस सर, जूनियर्स। चलिए, पहला सवाल मेरा तो यस। यही है कि आपको सबसे पहले पता कैसे चला कि आईआईटी जेई क्या एग्जाम है, कैसे इसका फॉर्म प्रिपरेशन करनी चाहिए या आईआईटी में जाना भी चाहिए, ये कौन सी क्लास में आपको पता चला, आपको कितना विविडली याद है पीछे का। सर, आईआईटी के बारे में मतलब सुना तो मैंने बहुत पहले से, मतलब 6 7 से ही रखा था, क्योंकि कोटा में ही रह रहा हूँ तो मतलब बिलबोर्ड्स वगैरह दिखते ही रहते हैं। बाकी जो ज्यादा डीप में कि ये है क्या एग्जाम और क्यों कंडक्ट होता है, ये सब 9th 10th 9th 10th में पता चला। 9th 10th के आसपास आपको पता चला। हाँ, जब हम फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट किए थे, आई गेस फॉर ओलम्पियाड सेशंस करें, उस टाइम पे आपको जेई का थोड़ा बहुत आइडिया लगा था। अच्छा, सर, तो जब आपने 10th का रिजल्ट आया तो आपको क्लियर कट पहले से पता, हालांकि आप तो ओलम्पियाड की तैयारी प्रिपरेशन के टाइम भी मिले थे, तब पहले से क्लियर था कि बायो की तरफ जाना ही नहीं है, साइंस मैथ्स इंजीनियरिंग आईआईटीज की तरफ ही जाना, इट वॉज वेरी मच क्लियर एंड फैमिली सपोर्टेड इन दिस डिसीजन, करेक्ट। अच्छा, तो ये जिस दिन डिसीजन ले लिया, 11th क्लास से जर्नी चालू हुई, तो जैसा सोचा था, क्या ये पूरी जर्नी आपकी बहुत अच्छे से स्मूथली चली और आसानी से 63 रैंक आ गई, या फिर ये काफी अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है, जैसी एक एवरेज स्टूडेंट की रहती है, या फिर जो स्ट्रगल करके फाइट मारनी पड़ती है वैसा रहा है, कैसे रही जर्नी आपकी। अप्स एंड डाउन्स वाली तो रही थी शुरू में। अब बहुत देखे थे मैंने, मतलब 11th में मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाएगी। वो फिर क्या, मेरे इंस्टीट्यूट का टेस्ट हुआ पहले, 11th में पहला पहला टेस्ट हुआ, तो उसमें मेरी इंस्टीट्यूट में 6th रैंक आई थी ओवरऑल। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। फिर अगले टेस्ट में फिर 1 आई, ऐसे करते करते आगे टेस्ट में भी 1 आने लगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। 11th के एंड तक मैं ऑलमोस्ट अपने इंस्टीट्यूट का टॉपर ही था, बट 11th के बाद असली वो जो कहते हैं ना अप्स एंड डाउन वाली जर्नी, वो मेरी 11th के बाद रियलाइज होने लगी। क्योंकि फिर मेरे स्कोर्स थोड़े से डाउन जाने लगे और फिर थोड़ा सा मतलब बुरा फील होने लग गया। सिली मिस्टेक्स एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई फिर। जब आप 12th क्लास में आए तब की बता रहे हैं आप। हाँ, जब मैं 12th में आया अच्छा और अच्छा रैंक भी ऑफ कोर्स मेरी फिर 3 4 5 ऐसे मतलब गिरने लग गई, पहले के कंपैरिजन में गिरने लग गई तो ये फिर। 11th और 12th में आते ही चालू हो गया था ये कार्यक्रम जो आप बोल रहे हो कि, यस सर, तो फिर 11th कैसे। काफी हाँ लाइट रहती है, 12th हाँ थोड़ा मतलब रिलेटिवली लाइट रहती है 11th 12th के कंपैरिजन 11th में परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता ना, 11th में एक वो भी में। होता है। हाँ, बिल्कुल हाँ प्रेशर नहीं रहता और बाकी स्कूल एग्जाम्स का प्रेशर नहीं रहता। अच्छा, तो फिर इसमें फिर क्या मैंने कभी कोई ऐसा 12th पॉइंट भी आया था जब लगने लगा था कहाँ साइंस मैथ्स ले लिया, जैसे यूजुअली स्टूडेंट ज्यादा ये सवाल देते हैं, शायद कुछ और मेरा पैशन हाँ सर, फॉलो कर लिया ये होता, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट 1 या 2 दिन के लिए कभी रहा हो ऐसा, या मोमेंट हाँ रेयरली काफी रहा बार है आया था। जिंदगी में। मैं जब एक काफी बार ये मोमेंट आया मेरी लाइफ में। एक बार जैसे मेरा स्कोर 50% था एक डे एडवांस के एक टेस्ट में, तो उस दिन खतरनाक वाला डिप्रेशन था अच्छा, और ये एग्जाम से कितने दिन थोड़ा। पहले की बात है, एक्चुअल एग्जाम के ये तो बहुत बहुत पहले की, शुरुआत मतलब ये जुलाई स्टार्टिंग। अगस्त की बात, अच्छा, लास्ट ईयर, ओके तो लास्ट ईयर की वो भी। तो ओके वही, तो फिर थोड़ा सा पेरेंट्स ने मोटिवेट किया उस दिन कि नहीं, होता है ऐसा, डाउन्स अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तू हमें तुझ पे भरोसा है। और फिर उस दिन तो मैं फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, अगले दिन से फिर थोड़ा और इम्प्रूव करने लगा, फिर थोड़ा रिजल्ट इम्प्रूव होने लगा। फिर भी कई कई बार डाउन जाता था,
मतलब बहुत अप्स एंड डाउन थे मेरी लाइफ में, वो पॉइंट मेरा लोएस्ट था। अच्छा, तो इस पे कितना टाइम में रिकवर कर गए थे वापस? 1 वीक या 4-5 दिन में, या फिर अगले टेस्ट तक जो 20 दिन लगते हैं कोटा का जो पैटर्न है उसके हिसाब से, कि 20 दिन वापस से लगे थे? और नहीं ये मतलब कह सकते, मतलब बहुत लॉन्ग रन थी मेरे लिए, एकदम से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए थे मेरी लाइफ में, धीरे 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 करके वापस ट्रैक पे। वापस ट्रैक पे आ गए थे। अच्छा, तो ये जो कोविड अभी हुआ, इस कोविड की वजह से आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिले, क्या आप मई में भी उतने ही प्रिपेयर्ड थे, या फिर ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल गया इसमें आपको अच्छा रहा, या फिर उल्टा हो गया कि जब मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड था अभी एक्स्ट्रा टाइम मिलने से थोड़ा सा मैं पीछे हो गया, मैं ढीला पड़ गया, या फिर क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बिगड़ गई, कैसे रहा नहीं, ये दिन? मई में मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी वीक थी, तो लॉकडाउन में मैंने उस पर ज्यादा काम किया था। और बाकी मई में मेरी दो मेन प्रॉब्लम्स थी, एक तो मैं पैनिक कर जाता था अगर टफ पेपर आया, और दूसरी सिली मिस्टेक्स। तो मैंने सोचा था लॉकडाउन में मैं इन दो पे काम करूंगा, पर अनफॉर्चुनेटली एक ही इम्प्रूव कर पाया, सिली मिस्टेक वाली एंड तक ही रहे। बाकी हाँ, मैं पैनिक जो एग्जाम में हो जाता था उस पे काफी हद तक क्या कहते हैं विजय प्राप्त हो गई थी। और जैसे कि इस साल टफ आया था पेपर, तो काफी जने मेरे आसपास थे वो पैनिक हो गए थे, बट मैं काम रहा था एक तरह से। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल के हॉल में जब आप देख रहे थे आसपास वाले जो बैठे थे वो लोग? नहीं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा, जो मतलब फ्रेंड्स थे। जो अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छी रैंक डिजर्व करते थे, उनकी भी थोड़ी सी लो चली गई। मेरी भी मैं इससे ज्यादा ही डिजर्व करता था, बट ठीक है, इससे पर बेटर रैंक उनकी डिजर्व काफी लो करते चली गई, थे। तो अच्छा, तो ये होता है, मैंने भी देखा इतने सालों से वो टीचिंग में, पैनिक कि हो गए स्टूडेंट्स थोड़ा। लास्ट डे का जो प्रेशर होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस हाँ, इश्यूज आ जाते हैं। तो एक बात ये इस बताइए, चीज जब पे अपन शुरू ने से ही लास्ट डे ध्यान की देना। बात कर ही ली है, तो जो एग्जामिनेशन डे होता है उसकी मॉर्निंग कैसे अलग होती है एक नॉर्मल एग्जामिनेशन से, मॉर्निंग प्रेशर रहता है, या नर्वसनेस उसके रहती है पहले बहुत की जो ज्यादा, एक कि रात मतलब होती है उस दिन क्या दिमाग में चल रहा था कुणाल तुम्हारे मैं तो जो? सर उस दिन रात को, उस दिन मैं पूरा दिन सोया ही नहीं था, मेरी दिन को सोने की आदत थी, वो भी नहीं सोया था मैं, वो पूरा दिन मतलब जागा हुआ था, तो और फिर रात को आंखें भारी हो गई थी और मैं सो गया था। मतलब मैंने यही प्लान, शुरू से मैंने यही प्लान कर रखा था, एक दिन पहले मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा और रात को 9-7, 9:30 बजे सो अच्छा, जाऊंगा। मतलब प्रॉपर तो सो ऐसे लिया। थॉट, अच्छा और बहुत नींद भी अच्छी आ गई थी उस दिन, लकीली मतलब काफी लोगों को स्लीपलेस नाइट्स, हाँ, एग्जैक्टली मतलब ये गुड भी नाइट बहुत कंसर्न रहती रहता है, है। हाँ, मेरे केस में ऐसा नहीं था। सो लिए थे। हाँ, यही एक टॉपर की बढ़िया, स्ट्रेटेजी होती है कहाँ बच्चों, ध्यान से सुनो जो कुणाल ने बोला है, कैसे भी करके एग्जामिनेशन के जो एक रात पहले है, 9:30, 9:10 तो लास्ट है, सो जाओ। उस रात पन्ने पलटने से, फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होता है, ठीक अच्छा, वो है? तो कुछ नहीं हो। और है ना, आप वो उस दिन नींद इकट्ठा करने के लिए आप थोड़ा मतलब कम सोइए उसके पहले, या उसके एक और दिन पहले भी थोड़ा कम सोइए, ताकि वो रात उस को दिन मस्त आपको नींद थोड़ी आए, नींद डीप, हाँ, ये बहुत अच्छी टिप है, ये टिप मैं आए। स्टूडेंट्स को इतने सालों से देता नहीं था, लेकिन ये कुणाल ने मेरी भी नॉलेज में आज इंक्रीज कर दिया है, कि उसके पहले 3-4 दिन से थोड़े से स्लिपलेस रहो, ताकि उस वाली जो रात है उसको आपको अच्छी सी डीप और अच्छी नींद आए। पर इसका एक्सपेरिमेंट एक बार पहले करके देख लेना, ये एक डिस्क्लेमर है, ठीक है? ऐसा ना हो कि हाँ, एग्जामिनेशन के हर वाले किसी दिन में, पे। और जेई मेन में एकदम से ट्राई करके स्लीपलेस देख लेना नाइट, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में इसको पहले। हाँ, बताइए एकदम से कुणाल। स्लीपलेस नहीं, मतलब थोड़ा 1-1.5 घंटा कट करते जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली। ऐसे। अच्छा, फैमिली का रोल क्या होता है कुणाल इस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आप शायद हॉस्टल में नहीं रहते बहुत हैं, आप तो ऑलरेडी फैमिली के साथ ही रहते हैं, तो आप हाँ, तो बहुत कैसा बड़ा रोल, रोल था क्या रोल सर, रहा? हाँ, बहुत बड़ा रोल था सर। जब भी मेरे डाउन्स आते थे, मेरे मम्मी पापा ही और मेरी बहन मोटिवेट करने के लिए रहते ही थे मेरे साथ, तो आपके मतलब छोटी कभी सिस्टर उन्होंने है, मुझे डिप्रेस्ड नहीं रहने दिया, मतलब क्या छोटी कहते हैं, वो सिस्टर है या जो बड़ी इंसान सिस्टर? बिल्कुल छोटी एल्डेस्ट, छोटी। छोटी सिस्टर। अच्छा, छोटी सिस्टर आपको काम करती थी, तो मतलब के मोटिवेट करती थी, शांत कर देती थी? हाँ, अच्छा, तीनों मतलब जो भी मेरे फैमिली मेंबर है हाँ, सब। तो स्टूडेंट्स देखिए, फैमिलीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बस, तो ये अकेले की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है एग्जामिनेशन की। मेरे साथ भी जब मैं बिल्कुल नहीं, प्रिपरेशन करता था, मेरे साथ भी मतलब पूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहता ही था, कि एक सपोर्ट एनवायरनमेंट देने के लिए। तो ये जो हम सेशन ले रहे हैं, ये पेरेंट्स आप सभी के लिए भी है, कि आप देखिएगा, आप सबका भी उतना ही रोल है आपके
बच्चे के लिए जो आपके तैयारी कर रहा है इस एग्जामिनेशन में, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है, सबका अपना अपना एक की रोल होता है, टीचर्स का अपना रोल होता है, स्टूडेंट को तो परफॉर्म करना ही है, फैमिली का भी रोल होता है, तो हम सब उसको सपोर्टिव अगर एनवायरनमेंट देंगे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छे से और निखर के आता है। तो अगर हम उस मॉर्निंग की बात कर रहे थे, हम रात की तो बात हो गई, तो एग्जामिनेशन डे की जो मॉर्निंग है, हाउ वाज इट, मतलब बहुत जल्दी उठ गए थे या क्या किया, कैसे, सेंटर कितना दूर था, आसपास ही था? हाँ, मैं उस दिन मतलब शायद इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, शायद 6 सवा 6 करीब उठ गया था अच्छा, और फ्रेश ही था, मैं फ्रेश ही फील कर रहा था, काफी नींद कर ली थी। तो बाकी बस उस दिन बाकी जो नॉर्मल काम होते हैं, जो सुबह को जल्दी नहाना वगैरह ये सब था, बाकी थोड़ा सा वो तो नर्वसनेस जा रहा था बस उस दिन, था तो नॉर्मल डे जैसा एक्चुअली ही। उस दिन जब घर से निकलते हैं, अगर आप लोकल लाइट हो, घर पे रहते हो, तो आस पड़ोस वाले सभी चालू हो जाते हैं मेरे साथ, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, जो सबके एक साथ ऑल द बेस्ट आते हैं, तो यू फील बिट ऑफ नर्वस, सो मेनी पर्सन आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ मी, मतलब बहुत सारा आउट परफॉर्मेंस प्रेशर थोड़ा सा आ जाता है उस दिन। और जब आप हाँ सर, एग्जामिनेशन वो सेंटर पे गए थे, वो क्या फीलिंग आई फिर उस दिन? ठीक ही था, नॉर्मल था सब, या यूज टू हाँ हो? सर नॉर्मल ही था। हाँ, इतने टेस्ट दे ही दिए थे, बस हाँ, वो एग्जैक्ट थोड़ा यूज सा टू हो। शुरुआत में नर्वसनेस रहता है, वो जो 25 मिनट वो लोग क्या कहते हैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए और पेपर पैटर्न पढ़ने के लिए देते हैं, तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं नर्वसनेस उस टाइम पे बहुत ज्यादा। मेरे केस में मेरा थोड़ा सा सिर दर्द भी करने लगा था उस टाइम पे, तो अच्छा, फर्स्ट पेपर में, पता नहीं, बट जैसे पेपर स्टार्ट हुआ तो सब सही हो। फर्स्ट पेपर, हाँ, पेपर वन। अच्छा, और ब्रेक टाइम में क्या किया आपने दोनों पेपर्स के बीच में? तो ब्रेक टाइम में एक्चुअली मेरा सेंटर तो मेरे घर से तो बहुत दूर था, तो मेरे एक फ्रेंड का घर पास में था, वो भी जेई दे रहा था, तो मैं उसके घर रुका था और वहां आप पे फिर बस डिस्कस किए खाना थे खाया और क्वेश्चंस सो वगैरह? गया। नहीं, डिस्कस बिल्कुल नहीं डिस्कस बिल्कुल किए नहीं थे, हुए, ये ये तो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स ने एडवाइस है गाइस। अलग कर दिया, हाँ, सुनिएगा ध्यान से, क्या हमारे करना नहीं पेरेंट्स करना ने अलग चाहिए। अलग कर दिया था हमें। हाँ, पेरेंट्स ने ही इनको ऑलरेडी अलग अलग कर दिया था, डू नॉट डिस्कस, टेक अ बिट ऑफ ए पावर नैप ले लो, थोड़ी देर लंच कर लो। हाँ हाँ, तो वापस से फॉर्मूलेज वॉर्मूलेज देखने तो नहीं लग गए थे उस ड्यूरेशन में, बिल्कुल नहीं सर, या ऐसा मेरे लगा को हो तो कि और पेपर ज्यादा वन ही। में कुछ फॉर्मूलेज मिस हो गए हैं, मैं वापस से देख लेता हूँ? नहीं ऐसा सर, नहीं ऐसा था, नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जैसे मूवी में इंटरवल का रोल होता है ना, और इंटरवल के बाद ही पिक्चर बदलती है, तो वैसे ही उस पेपर वन और पेपर टू में जो बीच का गैप टाइम है, वो इंटरवल का ही रोल प्ले करता है उसमें। आप बिल्कुल जैसे मूवीज में जाके हम स्नैक्स लेते हैं, वहां पर जाके आप थोड़ा सा लाइट सा जो आपका लंच है उसको आप ले लीजिए, बाकी थोड़ा सा पावर नैप ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, कुछ फॉर्मूलेज आपको लगते हैं पहले वाले भी आते हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, बाकी बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना। जिसने बोला कि फर्स्ट पेपर में काम था, जैसे नॉर्मली था वैसे ही बिहेव कर रहा था, सपोर्ट सिस्टम के लिए पापा गए थे या मम्मी गए थे, कौन गया था साथ में एग्जामिनेशन में? पापा और मतलब पेपर दोनों, वन में छोड़ने पापा आए थे, ब्रेक टाइम पे दोनों। अच्छा दोनों आ गए थे, तो ठीक है। पेरेंट्स आपके लिए भी मतलब बी टू साथ में रही अपने जो बच्चे हैं उनके साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है ना, क्योंकि पेपर का कोड भी पता नहीं होता है, ये भी अगर पहले बता दे तो हम टीचर्स इनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, लेकिन जेई एडवांस की खासियत ही यही है कि स्टूडेंट को ही वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि कैसे उस एग्ज़ाम को वो प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में उन्हीं को सोचना होता है कि अब क्या मार्किंग स्कीम रखें, एकदम से पता चल जाता है कहीं पर। इस बार आपने देखा होगा तो कुणाल आपको तो पता ही है कि हमें भी आप ही से पता चला है कि पैसेज आया ही नहीं था, साल भर प्रैक्टिस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने की, मैच द कॉलम को हाँ अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं और वो थे ही नहीं, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स और जो उस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिए थे। हालांकि ये जो चीज़ है ना, यही वो चेक करना चाहते हैं कि हु इज़ बेटर इन डिसीजन मेकिंग अमंग दीज स्टूडेंट्स। कुणाल एग्री करते हैं? कैसे इसको डील किया यस, आपने, जब चेंज आपने देखा पैसेज नहीं है, मैच द कॉलम नहीं है, क्या किया इसके बारे में, क्या सोचा? पहले तो देखा तो थोड़ा मतलब पेपर वन, क्योंकि मेरा थोड़ा तो मतलब दोनों पेपर ही लेंगी थे, पेपर वन में मेरे 2 सवाल छूट गए थे, मतलब टाइम की वजह से टाइम नहीं दे पाया था उनको, तो मेरे को लग रहा था पेपर टू में तो थोड़ा टाइम सेविंग क्वेश्चंस होंगे, पैसेज या पैराग्राफ, पैसेज या मैच द कॉलम टाइप। तो एक बार देखा तो थोड़ा झटका सा लगा कि अरे यार, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। फिर पर मैंने सोचा कि सेम मेरे चलो साथ, अच्छा है, मैंने भी जब इंटीजर पेपर देखा मैंने कहा इसमें कहाँ है वो पैसेज वैसेज, कुछ है ही नहीं, मैं भी यही सोच रहा आपके टाइम स्टूडेंट। पे भी नहीं था। नहीं, हमारे टाइम पे अच्छा सब्जेक्टिव चलो, होता था, अभी जब तुम्हारा सेकंड पेपर मैंने देखा हाँ था। तो यही थोड़ा सा, पर फिर मैंने सोचा ठीक है, इंटीजर पार्ट वाला जो है वो शायद ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि इंटीजर जनरली
सही जाते हैं उनमें गलती होने के चांसेस कम रहती है, क्योंकि आपका आंसर गलत आएगा तो जनरली कॉमन इंटीजर आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो मैंने उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके सोचा, चलो ठीक है अब जो है यही लास्ट टेस्ट एक है। स्टूडेंट्स आजकल का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, पहले तो हमारे टाइम पे फोन इतने थे नहीं, बीच में एक टाइम आया तब स्टूडेंट्स को पेरेंट्स फोन देते नहीं थे, लेकिन आजकल तो स्टूडेंट्स के पास फोन रखना एक बेसिकली नेसेसिटी हो गई है। तो ये जो हाँ डिस्ट्रैक्शंस हैं गेमिंग के, आप समझ लीजिए लोग पबजी भी खेलते हैं, और यस सर, ये जो डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका क्या आजकल के स्टूडेंट्स को, चाहे वो गेमिंग की बात कर लें कोई भी, या फिर रिलेशनशिप्स की बात कर लें, हाउ डू यू डील, आपके जो एज के स्टूडेंट्स से कैसे इस चीज को डील करते हैं, क्या ये आपके लिए भी एक हर्डल था, क्या था कुछ ऐसे नहीं रिलेटेड मैं कुछ जनरली टिप्स, या गेमिंग आपके वगैरह में फ्रेंड्स तो में मैं आपने शुरू, देखा हो, अपने फ्रेंड्स में आपने देखा हो किसी को इन रीजंस की वजह से अच्छा लड़का एक परफॉर्मेंस देते देते आउट ऑफ ट्रैक निकल गया हो, क्या उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी पीछे रह गई है? नहीं जनरली मेरे आसपास जो थे मतलब मेरे दोस्त, वो भी काफी वेल मोटिवेटेड थे जेई के कारण, और काफी उन्हें अच्छा भी परफॉर्म किया है, मुझसे भी अच्छे किए हैं काफी ने। तो मेरे केस में तो, और मैं तो गेमिंग में शुरुआत से ही नहीं था, मतलब मैं, मेरे को अभी भी जब खत्म हो गया है सब कुछ, अभी भी मेरे को गेमिंग इंटरेस्ट मैं है हुई बहुत। नहीं, मैं सोच रहा हूँ गेमिंग वगैरह अभी थोड़ी शुरू करने की। तो मेरे केस में वो कुछ था ही नहीं डिस्ट्रैक्शन, बाकी मेरे को थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह का लग गया था, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की थी बस। और ये जो क्रशेज रिलेशनशिप्स ऑफर्स तो आते ही होंगे आपके ना ना पास, वो कुछ सब, नहीं, वो हवाई सब तो नहीं बाबा था। टाइप? अच्छा हाँ नहीं चलो बाबा टाइप तो क्या ही, मतलब नहीं अभी वो स्टेज में नहीं था, और अगर है तो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। तो गाइज बात प्रायोरिटीज की है, बहुत कैंडिड इसने आंसर क्लियरली दे दिया, मैंने भी पूछ लिया एज अ जूनियर, अब कॉलेज ही जाएगा मेरे, तो सॉर्ट ऑफ है हमारा सीनियर जूनियर ही कॉन्वर्सेशन ये चल रहा है, ठीक है। तो बात यही है कि इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, इफ यू आर वेरी मच क्लियर कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपका डिसीजन उसी मोमेंट पर हो जाता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं होना है। तो ये प्रायोरिटीज की बात होती है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार ही पूछते रहता है स्टूडेंट, सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, तो बेटा आपकी प्रायोरिटीज सेट नहीं है, अगर आपको ये एक बार दिखने लग गया ना सपने में भी कि बस प्रायोरिटीज मुझसे दूर जा रहे हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, तो आप फिर आप अपने आप तो ट्रैक पर आप एक दूसरे बार गिने जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस की सोचने लग जाए कि अगर मैं हाँ इसी में चला गया तो फिर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी सोच देखता है कि अगर आप 11-12 में मेहनत कर लेते हो, अच्छी IIT मिल जाता है, तो फिर आप वो 4 साल बहुत स्मूथ रहता है, और नॉन IITian को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है 4 साल बाद हमारे लेवल पे आने के लिए, क्योंकि उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है टू बी फ्रैंक। तो ये नहीं कह रहा कि बराबर नहीं होते, बट उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वो टैग नहीं रहता है। सुन लिया बच्चों, तो वो 2 साल मेहनत कर लो, 4 साल स्मूथ जाएंगे वो, या फिर आपकी चॉइस है 2 साल मेहनत नहीं करो, वो 4 साल फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो अब इसमें हम बात करना चाह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन के टाइम पे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हो तब तो आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हो, ये कोई भी टीचर से वो कैलकुलेशन कभी नहीं करता है ना, वो तो कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं हम लोग उनको कि देखो भाई ये कॉन्सेप्ट, तो वी आर ऑलवेज आफ्टर के कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको डील करना है। तो जो बाकी जो दो पार्ट हैं एग्जामिनेशन में, तो हमेशा कहता हूँ कि तीन सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दो और सब्जेक्ट हैं, एक है कैलकुलेशन और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो होता है टाइम मैनेजमेंट, कम टाइम में करना है, वरना ये प्रॉब्लम रहती कि हर बार पेपर घर आके तो सभी से सॉल्व हो जाता है, वहां उस प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना लीस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक करते हुए, इसके लिए और कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत रीड कर लेते हैं नर्वसनेस, क्या है आपका टेक इसके ऊपर कुणाल, स्टूडेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स और रीडिंग मिस्टेक्स तो खैर मेरे एंड तक मेरा साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, जेई एडवांस में भी मैं भर भर के करके आया हूँ। तो बट जो अभी मुझे लगता है जो मुझे करना चाहिए था वो बोल रहा हूँ, जो मैंने भी खुद नहीं किया ये सब। तो शायद आप अगर एक शुरुआत से अपना रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि मैंने ये पेपर में ये गलती की थी और उस गलती का टाइप क्या था, और आप मतलब रेगुलरली उस लिस्ट को पे नजर मारते रहें, ताकि आपको रहे कि हाँ मैं कर चुका हूँ ये गलती, आगे रिपीट नहीं करनी, तो अमर वो ये हेल्पफुल हो कुणाल कुणाल सकता ये है। बोलना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो आपकी जो मिस्टेक्स रहती है, हाँ एक तो होती है कॉन्सेप्ट रिलेटेड
और उसके अलावा नॉन कॉन्सेप्ट रिलेटेड जितने भी मिस्टेक्स है नोट डाउन करके रखा करो, बिकॉज वो जो चीजें हैं ना ये सबकी इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग होती है। ये उन्हीं की बात कर रहे हो कुणाल, करेक्ट? बिल्कुल तो उनका नोट डाउन करके बिल्कुल रखोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है अगले वाले टेस्ट में और अच्छे से निखर के आएगी। मिसरीडिंग कैसे हो और जाती है इनको क्वेश्चंस की? मिसरीडिंग सर उस दिन पता नहीं क्या होता है, पेपर वाले दिन रीजन तो मुझे भी नहीं पता, पर हो जाती है। हो जाती है जैसे कभी जल्दबाजी कभी के क्या है, चक्कर वो में। करेक्ट इनकरेक्ट को बोल्ड करके नहीं लिखते हैं, तो हाँ फिर है ना इनकरेक्ट करेक्ट ही दिखने लगता है। और कभी जैसे मेरे केस में एक हुआ था कि एक क्वेश्चन में पी नॉट लिखा होता, मैं उसे पी ही पढ़ लिया जल्दबाजी में, तो वो क्वेश्चन मेरा पूरा गलत हो गया। तो वो ये है कि क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखें कि क्या लिखा हुआ है, एकदम से मतलब सॉल्व करने नहीं जाना है। हाँ शांति से पढ़ो, आधा क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने मत लग जाओ, पहले पूरा पढ़ लो कि वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। पता चले हमने कुछ और ही निकाल दिया, वो तो पूछा ही नहीं था। एक्चुअली क्या होता है कि हम तो जब किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली में उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने की कोशिश करते हैं जो हमने पिछले कुछ टाइम पहले सॉल्व किया है, तो हम आधा उसको समझते हैं और ये सोचते हैं कि शायद वही दोबारा पूछ लिया गया है। लेकिन हर बार जनरली यही क्वेश्चंस, रीजन होता हाँ जनरली यही रीजन होता है कि हाँ ये वही वाला क्वेश्चन वही वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स तो हर क्वेश्चन के अंदर वो कभी भी कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज कर दें, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि थोड़ा सा दो लाइन देख लिया हो तीसरी लाइन को बस हमने देख लिया, हाँ वही पूछा होगा, डिफरेंस है मेरे काफी से। अच्छा ऐसी भी खासा एक गलती डिफरेंस। हुई थी पेपर में कि उन्होंने पूछा था फ्रीक्वेंसी निकालो, मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी थी, अच्छा तो बट बाद में लकीली आईआईटी वालों ने दो आंसर दे दिए, तो उसका भी कोई रिग्रेट नहीं। अच्छा लकीली बच गए। अच्छा। तो वो जो ये कैलकुलेशन के लिए टिप जल्दी करने की, कैलकुलेशन सब जल्दी, तो ये तो प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। प्रैक्टिस और बस आप प्रैक्टिस, ये सब कोई और फॉर्मूला नहीं है बच्चों। सुन लो कुणाल से भी, ऑल इंडिया रैंक 63 भी आपको यही बोल रहा है, प्रैक्टिस इज द की। बताइए कुणाल। जुडिशियल अप्रोक्सीमेशन आने चाहिए, मतलब सोच समझ के कि जो आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस कर ले, पर इतना ज्यादा आंसर से दूर ना चले जाए आप एग्जैक्टली, क्योंकि अब तो इस टू डेसिमल ऐसे। तक पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा उसको राउंड फिगर के और चक्कर रेंज में वाली बहुत चीज दूर पे चले भरोसा जाते नहीं हैं। कर सकते, टाइम तो एफिशिएंसी, टाइम टाइम तो जनरली मतलब अगर किसी को कम पड़ता है तो वो थोड़ा शायद इसलिए पड़ता है कि वो पैनिक करने लग जाता है। जैसे पहले दो सवाल देखे तो वो दोनों टफ है, तीसरे पे आए तो वो हो बंदे से हो जाता है 1-2 मिनट में, पर फिर उसको ज्यादा टाइम देने की कोशिश करता है कि आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा है तो शायद मैं सही नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से शायद टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। जनरली अगर आप शुरू से ही काम रहेंगे तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। तो अभी आपका जो पेपर था पेपर टू, आपके लिए पास टाइम थोड़ा बचा था? मतलब क्या था ये, जस्ट इन टाइम खत्म किया? नहीं मेरे जस्ट इन टाइम ही था, बट खैर पेपर टू में मेरे से 2 क्वेश्चन मतलब मैंने देख लिए थे पढ़ लिए थे, बट वो ऐसा था कि उस टाइम पे क्लिक नहीं किया तो उनको मैंने ज्यादा टाइम भी नहीं दिया, बट ऐसा था पेपर जस्ट इन टाइम हो गया था मेरा। अच्छा, जस्ट इन टाइम खत्म हो गया था। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, कुणाल एक बात और पूछनी, तुम्हारे आईआईटी जेई तो ठीक है, करियर वाली बात है, बाकी पैशन क्या है लाइफ में? क्या आपके अभी इंटरेस्ट तो हैं, मैं हॉबीज हैं, जो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज थोड़ा सा फ्री आपको बोला जाए कि यार पढ़ाई टच नहीं करनी, पीसीएम 1 घंटा है, बताओ क्या करोगे? तो क्या करते हैं? अब मतलब ऐसा कोई मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में पैशन तो नहीं है मेरा, नहीं, मतलब जैसे पढ़ना कोडिंग में का हो, आपको कोडिंग का शौक हो, थोड़ा सा कोडिंग प्रोग्रामिंग का का हो। बिल्कुल, अभी मेरे को कोडिंग की 0 नॉलेज है। मतलब मेरे को मैथ्स का जनरली शौक, मैं मैथमेटिशियन बनना चाहता हूँ आगे पढ़ाओ अच्छा के, अच्छा अभी तो ये ड्रीम है मेरा अच्छा बाकी। ये और मैथमेटिक्स में जाना जनरली फ्री चाहते टाइम हैं। में तो सोता ही हूँ। अच्छा, हाँ सोने से तो खैर माइंड फ्रेश ही रहता है। तो अगर आप एज ए करियर, आप जो बात कर रहे हैं कि आगे जाके आपका एज ए मैथमेटिशियन वाली फील्ड में जाने का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो किसी एज अ कोई रोल मॉडल आप लेकर चल रहे हैं शुरू से ही, कि मतलब कैसे किसी का किसी को जानते हैं, या फिर आईआईटी में 4 साल है आराम से एक्सप्लोर करेंगे, क्या है? विल टेक टाइम देन आराम से डिसाइड। एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, ब्लाइंडली फॉलो नहीं हाँ अभी करोगे? मेरा, हाँ हाँ अभी भी मेरी ये चॉइस पक्की नहीं है, बट हाँ काफी हद तक मेरे को लगता है कि मैं वहां जाना चाहता हूँ। ओके, तो यही होता है स्टूडेंट्स, आप भी किसी को भी देख के ब्लाइंडली कॉपी करना
सही चीज नहीं है, आराम से आप टाइम लीजिए, फिर डिसाइड कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाइए। और फ्यूचर प्लान्स क्या है, आईआईटी में कौन सी आईआईटी प्रेफर कर रहे हो, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कानपुर, क्या दिमाग में चल रहा है? बॉम्बे या दिल्ली में से ही होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी बॉम्बे ही दूंगा, बट जैसा कि मेरी रैंक है थोड़ा सा, मतलब 50-50 चांस है बॉम्बे मिलने का, तो सेकंड प्रायोरिटी दिल्ली रखूंगा। मिल इन दोनों जाएगा, में से कोई एक मिल ही जाएगी। हाँ आराम से मिल जाए, दोनों में से एक तो आराम से मिल जाएगी। 63 तो बहुत बढ़िया रैंक होती है स्टूडेंट, थोड़ा सा बाउंड्री गेस है, पर हम सबकी शुभकामनाएं, तुम बढ़िया से बढ़िया जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। और आईआईटी बॉम्बे पहुँचोगे तो जूनियर भी बन ही जाओगे, ठीक है, इंटरेक्शन हाँ चलता ही रहेगा, हम आपके अलुमना ही रहेंगे, सीनियर्स काउंटिंग काउंटिंग होगी। तो ये जो इंटरेक्शन हम स्टूडेंट्स कुणाल के साथ कर रहे हैं, हमारी मुलाकात आज से आई थिंक 2 साल पहले करीब हुई थी, मैथमेटिक्स के लिए ही हुई थी, और मैथमेटिक्स में ही फर्स्ट हम तभी इंटरेक्ट हुए थे। तो अभी भी यही बोल रहा है कि सर मुझे तो मैथमेटिशियन ही की तरफ ही मेरा रास्ता मुझे लेकर जाने की बात दिखा रहा है। तो और कुणाल, तो एक लास्ट टिप आप स्टूडेंट्स को कुछ बोलना चाहें, देना चाहें, चाहे जो उनको इस पूरी जर्नी में डिसीजन लेने से लेकर रिजल्ट आने, एग्जाम के फाइनल मॉर्निंग तक उनको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी कोई प्रो टिप, कोई बोनस टिप आपके दिमाग में आ रही हो कि यार ये मेरे साथ एक बड़ा ही रहता? मतलब हाँ बताइए। मेरे केस में तो एक ही चीज मतलब गेम चेंजर रही है, अपना टेम्परामेंट आप हमेशा से कूल रखें। आप मतलब ऐसा एटीट्यूड रखें कि ये सवाल अगर मुश्किल है ना तो सबके लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए नहीं। आप वैसा टेम्परामेंट रखेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे। जनरली रीजन पैनिक ही होता है पेपर खराब होने का। और बाकी अपनी प्रिपरेशन पे फुल कॉन्फिडेंस रखें। ऐसा मत सोचे कि आपने मतलब ये किताब नहीं किया, ये जो किया है आपने अच्छे से किया है। कॉन्फिडेंट रहिए थ्रू आउट द 2 ईयर जर्नी। और जो कॉन्फिडेंट टीचर्स रहना, कह अप्स रहे हैं एंड डाउन्स वो इसके लाइफ में भी आए, सभी के में आते हैं, हमारी जर्नी में भी आए थे, वो आते रहेंगे, वो रियलिटी है, उसी से आप पता चलता है कि दैट यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो होगा पूरी जर्नी के दौरान, सबके साथ होता है। तो ये जो बात इसने और बोली है कि भाई टेम्परामेंट लूज मत करना, मेंटेन करके रखो, अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करके रखो, और लगे रहो मेहनत करने में, कुछ ना कुछ होगा और बहुत बढ़िया सा होगा। ये जर्नी जो है फाइट हमको करना सिखाती है पूरी, कि इस एग्जामिनेशन से हारता तो कोई भी नहीं है, जिनका नहीं भी हुआ है वो भी बहुत कुछ सीखे होंगे इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, और वो उनके किसी ना किसी और एग्जामिनेशन लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आने वाला है। क्यों कुणाल? बिल्कुल यस एग्री? सर। हाँ, आपके भी कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो शायद नहीं सेलेक्ट हुए होंगे, या बहुत पीछे रैंक आए होंगे, थोड़े डिप्रेस होंगे, आपके स्कूल्स वाले फ्रेंड्स जितने भी रहते हैं सभी तो सेलेक्ट हो नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली और सर ये एंड में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि बताइए। जैसे अभी मैं कॉलेज ज्वाइन करूंगा तो कॉलेज लाइफ मतलब कॉलेज आईआईटी के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस मतलब वहां हाँ पे भाई, क्या रहना चाहिए। आईआईटीज में बस एक ही बात का ध्यान रखना बेटा, वहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, बाकी कॉलेजेस पीछे की ओर रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 20% मोटिवेटेड स्टूडेंट होते हैं, 80% थोड़े से डीमोटिवेटेड होते हैं जो आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। आईआईटीज में रेशियो थोड़ा उल्टा है, 80% आपको मोटिवेटेड दिखेंगे, लेकिन वो 20% वहाँ भी होते हैं, और वो हर ब्रांच में होते हैं, तो अगर हम हमारा ट्रैक सही रास्ते पर रखें और हमें अच्छे गाइड मिल जाए, अच्छे प्रोफेसर्स वहाँ पे मिल जाए जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, जो आपके करियर पर आपको अच्छे से गाइड करते चले जाएं, तो याद रखना बेटा, अर्जुन अर्जुन तभी बना जब कृष्णा मिला उसे। तो आपको गाइड और मेंटर की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है, करियर वाइज जब आप बात करेंगे किसी से तो आपको वो बताते चले जाएंगे। अभी आप स्कूल लेवल पे थे तो स्कूल टीचर से गाइड लेते थे, कोचिंग पे कोचिंग वाले टीचर से गाइड लेते चले जाते थे, फिर जब कॉलेज में जाएंगे तो फिर कॉलेज का रोल चेंज हो जाता है, तो वहां पर भी आपको वो लोग चाहिए होंगे, तो वो आपको थ्रू आउट पूरा बता देंगे। क्योंकि आप जहाँ जाने की बात करें, जो भी स्टूडेंट आप जहाँ जाने की बात करें, मैं खुद वहां पर 1200 डेज रहा हूँ, ठीक है, तो एक्सपीरियंस काउंट्स, बहुत अच्छे से काउंट होता है। तो क्या करना है क्या नहीं करना, ऑलवेज वहाँ पे पुराने आईआईटीज को प्रिफर इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ द सीनियर्स जो वहाँ पर हैं, जो आपको पहले ही समझा देते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो ये जिस भी हॉस्टल में आप और टच में तो हम रहेंगे, तो यही है जो अपना एक
एकेडमिक के अलावा एक पैशन ऐसा जनरेट करना, जैसे आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ जब जाओगे तो अगर आईआईटी बॉम्बे जाते तो कल्चरल किसी के वहीं जाके पता चलता है कि मेरे अंदर सिंगिंग का भी है, ड्रामेटिक्स का भी शौक है। अगर ऐसे शौक हो तो उनको रोकना मत, आने देना, निखर के आने देना। मेरे बहुत सारे अपने आईआईटी बी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा टीवीएफ वाले कर रहे हैं, कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मतलब दे आर हाँ एक्सप्लोरिंग सर, देम सेल्फ, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो एक सेकंड ट्रैक जरूर रखना, एक तो एकेडमिक का रहता है जिससे आपको मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार मैं जी भी रहा हूँ, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वो ये कल्चरल ही हो, ये मैं नहीं कहता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेक फेस्ट में कुछ रोबोटिक्स वाली वर्कशॉप वगैरह करने का बहुत इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग होता है। और कईयों का होता है कि मुझे तो बस सीधा अब एमबीए की तरफ जाना है या मुझे आईएएस ऑफिसर की तरफ ट्रैक पे जाना है, तो सबका अपना अपना होता है। उसमें स्टूडेंट को हमेशा टाइम लेकर डिसाइड कर लेना चाहिए फर्दर स्टडीज का दिमाग में है या क्या है, उनके बारे में सोच के। बाकी तो गाइडेंस आपको देते ही थैंक रहेंगे कुणाल। यू। और सर मैंने आपकी बुक के बारे में भी सुना, आपकी रिलीज होने वाली है, हाँ पियर्सन सर, पब्लिकेशन रिलीज हाँ करने वाला है, तो मैं तो खैर नहीं कर पाया, बट वो बुक कर नहीं पाऊंगा अपनी ओके जर्नी में यूज, बट मुझे पूरा भरोसा है आपकी बुक बहुत पाइवोटल रहेगी काफी स्टूडेंट्स की जर्नी में, तो हाँ कुणाल, थैंक्स फॉर द रिकमेंड विशेस। करना चाहूंगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, जो बुक है आप लोगों के लिए तो काम आ ही जाएगी। कुणाल तो आउटगोइंग बैच का है तो जब तक तो पब्लिश हो नहीं पाई थी, अभी हमारे कोऑर्डिनेट की बुक आ गई है, अलजेब्रा के भी विदित मंथ में आ जाएंगी। तो आप बस पढ़ते रहिए, मैथमेटिक्स की दुनिया है, ठीक है, डूबते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। तो फाइनल नोट पे कुणाल थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, और यही है सेशन स्टूडेंट्स आपके लिए। मैं चाहूँगा कि अगली बार मैं ये सेशन आपके साथ करूँ, तो ये जो ड्रीम आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से इसको जीइए, बहुत दम होता है हम सबके सपनों में। आप बस थोड़ा सा एफर्ट को कम मत करना, हर दिन मेहनत करना, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, और हमेशा आप आगे बढ़ते चले जाओ। ये जो डिसीजन आप ले रहे हो ना आईआईटी जेई में के सेलेक्ट होने के लिए साइंस में लेने का, तो जो मैंने बोला डिस्ट्रैक्शन के लिए, तो जो कुणाल ने भी बोला, इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज आपको दिखेगा, कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचोगे तो ट्रैक पर ही रहोगे, ठीक है गाइस। तो इस सेशन को हम एंड करते हैं, कुणाल को बहुत सारी शुभकामनाएं इसके फ्यूचर के लिए। अब स्कूल तक एडमिशन पेरेंट्स करवाते हैं, अब ये पेरेंट्स को बोल रहा है पापा मैंने मेरी कैपेबिलिटी से आईआईटी में सिलेक्शन करवा लिया है, अब ये वाला मुझे कॉलेज चाहिए। तो यही आपके साथ भी होना है, स्कूल तक तो पेरेंट्स एडमिशन करवाते हैं, कॉलेज का एडमिशन स्टूडेंट आप खुद करते हैं आपके कैलिबर के हिसाब से। सो ऑल द बेस्ट कुणाल, थैंक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गाइडिंग द यू स्टूडेंट्स। सर। ओके।